हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फोर क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स जो चैप्टर है हमारा, उसकी हम रिविज़न करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड, तो हम क्या सीखेंगे, हम ये सीख चुके हैं पहले की वर्कशीट्स में। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो क्या, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हम कर सकते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम खाना खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करती रहे। ठीक है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, की किस तरह से हम फूड को जो है इनटेक करते हैं, और उसका बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी जो अलग अलग सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। तो वो ग्लैंड्स होते हैं जिनसे सिक्रीशन जो है वो निकलता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इनटू द रेक्टम एंड एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका, देखिए एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे पहले क्या है, बकल कैविटी, जिसमें हमारा पूरा जैसे टीथ है, टंग है, वो क्या है, हमारा माउथ जो है वो सारा एक बकल कैविटी है। उसके बाद ईसोफेगस है, उसके बाद हमारा एक पाइप होती है ना, आपने डायग्राम किया हुआ है। उसके बाद स्टमक है, आप साथ साथ अपना डायग्राम जो है वो भी देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में बनाया जो है बना हुआ है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि किसमें एंड होती है, रेक्टम में, और एनस जो है लास्ट इसका जो पोर्शन हो जाएगा वो है एनस। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस आर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, जो सलाइवा निकलता है मुंह में, वो सलाइवरी ग्लैंड्स के कारण, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड द लीवर एंड द पेनक्रियाज, ठीक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये जो है क्या है, दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेज। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेज। जो हमारे स्टमक की वॉल है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, उसकी जो वॉल होती है उसमें से भी डाइजेस्टिव जूस जो है वो निकलते हैं, जिससे कि फूड हमारा डाइजेस्ट होता है। नंबर थर्ड है द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ फीडिंग जो है वो क्या है, वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स में। नंबर फोर है न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व करता है, इंजेशन, इंजेशन जो हम फूड मुंह के अंदर लेकर जाते हैं, डाइजेशन, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन होता है और पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भेज दिया जाता है ब्लड के थ्रू। उसके बाद उसका एसिमिलेशन होता है एंड देन लास्ट जो पोर्शन होता है, लास्ट स्टेप आप कह सकते हो इजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है रेक्टम के थ्रू जो है एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ उसके बाद देखिए, अभी यहाँ पे आपको पजल्स दिए गए हैं, ठीक है, ग्रिड दिया गया है। सम नेम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर आर गिवन इन द ग्रिड, फाइंड दोज एंड एनसर्कल देम। तो आपको जो यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं वो सारे आपको इस ग्रिड के अंदर ढूंढने हैं। तो आप कॉपी में इसको कैसे कर सकते हो, आप ये सारे नाम लिख सकते हो, इनके फंक्शन लिख सकते हो, या आप चाहो तो इस तरह कटिंग करके वर्कशीट की और ऐसे अपनी कॉपी में पेस्ट करके उसमें ये जो है आप ग्रिड बना सकते हो, या हाथ से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है इसमें ईसोफेगस। तो देखिए इसमें ईसोफेगस अगर हम देखें तो आप इसमें ढूंढ सकते हो, ये जो है क्या रहेगा, ये जो है, ये है ईसोफेगस, यहाँ पे क्लियर है, ये आपका नंबर वन हो जाएगा। नंबर टू पे है स्टमक, तो देखिए ये है बच्चों, यहाँ पे आपको स्टमक मिल जाएगा। नंबर थ्री पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बहुत लंबा है ना नाम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर फोर दिया गया है पेनक्रियाज, ठीक है, तो अगर आप इसमें पेनक्रियाज देखेंगे तो देखिए पेनक्रियाज जो है ये आपका पेनक्रियाज है, ये देखिए, ठीक है,
यहाँ से उल्टा दिया गया है पेनक्रियाज, क्लियर है। तो ये आपका ये जो है पेनक्रियाज हो जाएगा। उसके बाद है लीवर, नंबर फिफ्थ पे है लीवर, ये जो है लीवर हो जाएगा। उसके बाद नंबर सिक्स्थ है इंजेशन, तो नंबर सिक्स जो है ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये इंजेशन हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट डाइजेशन, तो उसके बाद देखिए डाइजेशन जो है यहाँ से आप जो है देखेंगे ये इंजेशन हो गया। उसके बाद आपको डाइजेशन है तो यहाँ से डाइजेशन हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो है डाइजेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन देखिए ये जो ब्लैक में है ना ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है एब्जॉर्प्शन को सर्कल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इजेशन, तो इजेशन है ना बच्चों यहाँ से लेकर और ऐसे है, देखिए मैं इसको क्लियर करके बताती हूँ, यहाँ से लेकर ई जेशन ऐसे ऐसे दिया गया है ये, ठीक है, ऐसे जो है ये दिया गया है इजेशन, क्लियर है। उसके बाद नंबर टेन है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन ये देखिए यहाँ से लेकर ये वाला ये सारा क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा एसिमिलेशन, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, साइंस की बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।